पार्टी को सम्मान करते बार बार धन्यवाद। भाई ये 100 रुपये आजाद सिंह पंडित जी जो आज ये प्रोग्राम है इन 2-3 महीनों की मेहनत रंग लाई, आजाद और अमित अटोल पंडित जी भाई युगा आग्रह भगवान शैन रूप के शैन को नहीं आओ वो भी मानसा कमाए गया इन लगन लगाई आज ये प्रोग्राम सफल होया। भगवान से अरदास करते कि भाई इनकी मनोकामना पूरी करे। पहली कली में क्या समझा क्या रहा? चुप हो जाइए, बकवास नहीं कर देगा। राजा सलेबान कह लगे नु मिले रत्न बेरा को ना इस राम खोर ने के कर रखा मेरी गे। इस पूर्णबल को सजा मिलेगी, इसने ऐसा काम कर रखा है। रुपए सा दीवान के सर पर चढ़ गया वो राजा सलेबान। क्या पूर्ण क्या मरण में वर बाकी ढाई गहरी इस की और जैसा कर्म करया पूर्ण उसमानी टपड़ी सो रूपे सा पूरन के मन में की धरी धरी सके ओ रूपे सा पूरन के मन में बाकी धरी धरी समय कितना कराची था रहे उस टाइम जिस टाइम यो बोल मैं तो कांड के लिए आए इसने बोले महाराज गणा राजी था सारा शहर सजा दिया था हर नुबला रही सर राम खोर ने बोर मत लिखते अरे इसने यो काम करा मिल गेल एक पिता और एक राजा का
मिला जुला भाव है बोलिया बहुत खोटी करी है इसने मेरी गेल क्या बहुत ही नाम पहले सौ रुपए और बार बार धन्यवाद हमारे मित्र समसपुर से 100 रुपए और भाई शंकर 100 रुपए और भाई आजाद 100 रुपए और बार बार धन्यवाद धन्यवाद दोनों आ जाइयो जब गुस्सा को ना था गुस्सा ही दिखा होगा जिस समय वो कलयुग और पुष्कर एक हो जाते हैं हाल दोनों एक हो जाते हैं उधर वो पुष्कर राजा नल को ललकारता है कि जुआ खेल लेंगे चौपड़ सार बीत जाती है क्या लिखा है दादा ने सुन ओ इतनी सुन के
आदरणीय कृष्ण जी, आदरणीय आजाद जी, 100-100 रुपए से मान सम्मान, 100 रुपए छोटे भाई ललित देते हैं बार बार धन्यवाद। कौशिक स्टील टूब्स महेंद्र कौशिक जी 100 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद। थोड़ी देर रागनी रागनी गावांगे और वो बंद कर देंगे थोड़ी देर। हाँ नू है मैं मानने जाऊंगा वो सरपंच साहब का दौर दो जने चले गए लड़ाई होगी उनके आपस में और वो एक जना बोला सरपंच ने बोला सरपंच साहब यो इतना कमीन आदमी है इतना कमीन तो गांव में कोई भी को नहीं। सरपंच ने बोला वो बात तो बोला तू ठीक है। दूसरा ने बोला के सरपंच साहब के ठीक कहे इस पर का गंदा एक भी नहीं इनका खानदान है गंदा। ने बोला देखो बात तू भी ठीक कहे। वो एक तीसरा था ने बोला तू क्या है सरपंच है भाई यो भी ठीक कहे यो भी ठीक कहे के फैसला करेगा तू भाई। सरपंच हाथ जोड़ के बोला देखो बात तू भी ठीक कहे। तो भाई तम ठीक कहो हुई थम रागनी रागनी गा लो बस क्या कहो। ईश्वर के हुक्म से तू तोरे निरक्षण देना दरबारों से महलों तक चटकना तेरा देना। रानी कहे सुपूर्ण तृतीय झटपट का बना देना। पूरण कहे सुरानी कृत्य महला में हुक्म कह भी गया राम टाल कर दिया फिर
मैं बताऊं, यो छेड़े से सुनन का इच्छुक तो से यो, फिर वो ये बात है ना, समय का भी आमने दो राय तो होली काल दिन में भी थे, आज राय तो ही दिन में भी जाना है, चार बजा दे ये अपने तीनवा खातर ठीक रहेगा ना, चरणा फेर बदला लेगा, चरणा ने बदला लिया है दोनों रेंगा दिए ने, चरणार्थ हम तो बदला लेंगे, सकेल में दाब के भाई मानस ने एकला देख के न्यू नहीं, मैं खुद दबिया पड़िया हूं, जब तो मिल जाए है ना, जब तो के मन ने उन्यारा है सुकून था मिल जाए करे, ये तो यूपी वाला चरण सिंह हो गया कलयुग पुष्कर दोनों मिलकर की सब कर सा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट करी थी नलकी मगर चक्कर सा हो गया, रानी दसी बंदी रोवे सब न फकर सा हो गया, राजा नलकी आर होण का अनुसार जकर सा हो गया, राजा नलकी शान से भाई दोनों भाई तन्ने थी भाई ना आयुन ने ठुआई थी भाई भाई तन्ने दे सके ना तू भी हरियाणा का तू पटना का रहा लगता भाई सुन भाई हरियाणा शान बताए शान मर हरियाणा फर्क से हां तुम हरियाणा शान सो एक तो मारे गांव में भाषी जी पहली बार चुंदा हो जंदा आर एक का राजुंदा हो गया बीवी से फटक आपका दो भाई थे छल्लूर पितरा और फुल्ला दूध वाड़ रोज आना डोली का नीचे का आवाज दिन छिपे और छल्लू को था प्याजे क्यों दिन छिपे बात दिखा कोई नहीं वो उदास देखे जी पितरा में निकल रहा के बात है निवले भाई दो दिन हो गए मुंह फुटा है निवले इसी के बात राजुंदा हो रहा है दिखा है तो कोई की बाण गति बिना कौन कोणा हर जना था प्याजे तड़के गा का घी प्याज दिया 1 किलो घी प्याज पाछे राजुना टूट गया फुल्ला दूध वाला हस्ता तो दिन छिपे आया पहली खड़ा कुवाड़ का सारा हाथ न्यू कर छल्लू और उसना मुंह काटन देर छल्लू ने था प्याण फुल्ला न्यू कर लाया की यारिया ता किसकी हुई छे तो भाई बात छोड़े तना मारे काम के बताते या ता किसकी हुई बेरा कोनी हम तो भाई आड़े देखे न्यू गान के बड़े हाथेड़ी पर लेकिन तुम तो हरियाणा की शान है जो कलाकार हो ना भाई तय दिल से धन्यवाद करते इतना मान सम्मान करते हो तीसरी कली में कैसे क्या बताए बहुत अच्छे मर्द मानस कितना है भी कहे जाओ लेकिन मर्द मानस की सच्ची नहीं मानती जा लुगाई की सच्ची मानी जाती कैसे
क्षेत्र में खून बयावा फिक्रा मचल लो गई की है सारे कोई सुनना वो सच्ची बदल लो गई की मरत सारे वो सुनना सच्ची बदल लो गई की देख चरणाऊ कह ले कि मैं बाकी इस रंग मत न टेक्या पा अपनी जान मत न कसर छोड़ नहीं रखी है यो तो न्यू है हम थोड़ा काबू कर रहे हाँ काम न क्यों वो यो देखियो जी कोई सा बुरा ना मान जियो मारा बामना के थोड़ा हा सिस्टम न्याराए है थोड़ा न्यारा पाया करे जी कदे बुरा ना मानियो आपे अपने घर की बात बतावा जे मान लिया कोई बुढ़ा ठेरा गुजर जाए घर में बामणा का देखियो तो हम खास तौर पे कोई बुढ़ा ठेरा गुजर जाएगा ना एक आदमी की सिर मुंडवा देंगे मूछ डाडी मुंडवा देंगे एक आधी जगह तो इतना कसाई बड़ा है कसेली भी साफ और उसने तोड़े परा देंगे लत्ते उसने ईसा कर देंगे जो यो इसे न मारिया हो वो पंडित जी चला गया बाणिया गया जिमन और वो उसने बाणी ने खीर खीर गाल दी युवा बिच 2 किलो दूध में खीर बना रहा की बाणिया ने कढ़ाई हुए ये पंडित जी तो 10 मिनट में लिकड़ गया खीर में गए रुका मारे बोला खीर लियाओ वह बाणी आई नीली दादा मारे वो पहले आया करता पंडित जी वो तो जी बीच बीच में पानी भी पिया करता जी ने बोला बीच में मैं आप पी लूंगा पहले तू खीर लिया वह बनिया की छोरी थी वह रोन लग गई बनिया दुखी कर रखा बामन ने पहले आई वह छोरी रोपड़ी बनिया की वो बनिया का उसने क्यों रोवस है गणी रोई तो बामना का गिर दूंगा वो बामन भी असली था उसने सुन की वाह ने बोला लाला जी इसका थोड़ी खीर ला ले ये सुक्की नहीं दिखाई जाएगी करना तू बढ़िया गा वह बाकी नू है जब हम खीर आड़ी पागे ना फिर मुश्किल हो जाएगी इतना काम चल रहा है इतना चल रहा है फिर दिक्कत बन जाएगी नुक्कड़ नजर सुनो रुपये सा इसके गेली सा काम करियो इसकी आत्मा जब ऊपर जावना तकलीफ नहीं पाना चाहिए इसके वो मन की काट दो के कन लागे राजा सलेवा ये कोई किसी को कुछ ना कहता किसे का खटकता ना सीधा रास्ता सांप पड़ा कितने टकता ना पूरण मल मुना के बहम में शीश पटकता ना नूना देके दर्श करा दो अंश पटकता उसमें
शंकर वो परिणाम पहले 100 रुपए और 1000 रुपए दे चुके हैं भाई को, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। देखो कोई भी हो दुखी करे उड़ा सिद्ध है, इवियो थोड़ा हा उच्चा हो गया चरणान तो आसान है, ठीक है सरल तरीका दी गावे है, हमने तो थोड़ा भारिया हो रहा है। सुमित मेरे घर है देख उत्साह हो गया, और सुमित एक बार क्या होया कोई लाला जी घूम फिरन ज्यादा आत्मा लोटा ले रहा घूम फिर का आया आग के पेड़ के नीचे बालू रेत में एक बिच्छू पा गया, उसने वो बिच्छू छुछक कर लोटे में गिर लिया, लोटा पकड़ के घर ना आया। शेठानी, हाँ शेठ जी, दो ढकने लिया, वह ढकना लिया ही वो लोटा उस पर मोदा मार दिया, वो बिच्छू ढकने पा गया, दूसरा दिया ढक। शेठानी इसना हाथ सारा दर्दी कढ़ाई, उसने चूल्हे की बेउंडी में दर दिया, पहले हाथ तलिप्या करती बेउंडी में उड़ा दर दिया। रात का टेम शोर बढ़ गया, वो सेठ तब बात छाना हो ना नुलिया शेठानी, हाँ सेठ जी नुलिया वही 5-4 दिन पहले मैंने एक सोन्या की गुठी बनवाई थी वकड़े दरी देना। शेठानी ने होची कोई टूमा कोई जिक्र नहीं कोई बात नहीं ई बात दी रात नहीं है ना, वह सोना ही गुठिया के जिक्र कराया ने बोली सो जाया मैंने ठीक हाथ सारा दर रखी ने बोलिया फिर भी मन नींद आओ बता ने बोली चूल्हा की बेउंडी में दो ढकने बीच में दर रखी चोर ने हचा भाई अच्छी विद बैठी ताली टूनी ने कोई ताला तोड़ना ने, उसने तो बाज के उसमें ढकना में हाथ मारा और वो बिच्छू 2-3 दिन तक रुक रहा था तंग पर रहा था, वो जो यूं ढकना में हाथ दिया बिच्छू ने मारा डंक जब सीधे ही करी मुंह मांगली गई शेर ने भैया थूक ला के पैरिए मेरे भी अष्टी आवे है, तो भाई सुमित दिया तो हमने भी अष्टी आवे है। साहूकार सरकार के लोग बांध पड़ने आए अलकारे तू जाके कहिए जीत मरण आए राजा नलते न्यू कहिए हम तेरी शरण आए राज के हितकी हाथ जुआ बंद करण आए राज के हित की काटर दुआ बंद करने आए What?
आजाद और टोनी पंडित जी हजारों रुपए पहले दे चुके, 100-100 रुपए से और बात सम्मान करते भाइयों का धन्यवाद। टोनी भाई 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। एक बात है भाई, देख चार तो ऊपर टाइम हो लिया हर थाम जितने